बेटा नाम क्या है तेरा? टुन टुन टुन। आप कहाँ से हो? बिहार मोतिहारी जिला। जी उम्र आपकी 24 साल है। जी आपको ब्लड कैंसर बता रखा है जी और TLC आपकी 1,25,200। जी स्टार्टिंग में क्या दिक्कत हुई थी आपको और क्यों हॉस्पिटल जाना पड़ा था और कितने दिन पहले हुई थी? मुझे स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ था, सर में दर्द, अच्छा, सिर्फ सर में दर्द हुआ सिर था। सिर में दर्द हुआ। मैंने गया छोटा मोटा डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला ब्लड कैंसर है, थी ब्लड जांच कराना खून पड़ेगा। की तो जांच। जांच कराने के लिए बोला, मैं जांच कराया, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो बोल रहा है कि तुम्हारे TLC बढ़ा हुआ है। उसके ऊपर विश्वास मैंने नहीं किया, फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, ये सब छोटा मोटा लैब में कराओगे तो ऐसे ही दिखाएगा। अच्छा, उसके बाद में वो उसके पास किया तो मैंने वो दवाई दिया लगभग 2,000 की, बोला कि इससे ठीक हो जाएगा। तो 10 दिन मतलब थोड़ा एनर्जी एनर्जी मिला, मिला, उसके बाद में फिर मेरे को बुखार लगने लगा। फिर से होने लगा। हाँ, फिर ठीक बुखार लगने लगा, सर में दर्द होने लगा, तो मैं उसके पास गया, तो है। वो बोला कि ब्लड जांच कराना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा। उन्होंने भी ब्लड जांच किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ तुम्हारे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, एम्स में मैं रेफर कर रहा हूँ। एम्स में मैं नंबर लगाया तो फिर 2-4 दिन के बाद नंबर मेरा आया, वो रिपोर्ट देख के ही बता दिए थे कि हाँ तुम्हें ब्लड कैंसर लिकोमिया है। लिखूंगा। वो उन्होंने बोला एम्स वाले ने कि पहले 5 लाख रुपए जमा कराओ, 10 आदमी के बुला लो, क्योंकि ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने 5 दिन का टाइम दिया, अगर 5 दिन में नहीं अगर कराओगे तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, ये बात लगभग 8 महीने हो गए मेरे साथ, 8 महीने हो गए। बहुत अच्छा, शरीर मेरा बहुत ख़त्म हो गया था। और भी ज़्यादा बेकार हो हाँ, गया। आपका वीडियो मैंने देखा था, यहाँ आने के समय पहली बार मेरा 35 kg वजन था। अच्छा। अभी मैंने ये कराया, वो वजन कराया, 5 kg वजन मेरा बढ़ गया है। क्या क्या दिक्कतें थी आपको पहले? मेरे को दिक्कत थी पेट में सूजन, पेट बहुत बड़ा हो गया था। पेट बड़ा, बिल्कुल हाँ, टाइट था अभी आपका। तो बहुत आधा से आधा हो गया, ये सूजन यहाँ है, अभी यहाँ तक था। ये दोनों तरफ आपका पूरा बना हुआ हाँ था। जी, हाँ जी, टाइट था, बिल्कुल खत्म हो गया पेट अच्छी तरह से आपका साफ हो रहा है। जी। और भूख? भूख तो इतना लग रहा है कि पूछिए मत, मैं कम ही खाता हूँ भूख से, पहले तो खाना ही नहीं खाता था मैं। अच्छा, इन्होंने मेरे को अपने बारे में बताया कि अपने परिवार में ये अकेले हैं, जी तो उस दिन ये रो रहे थे जब आए, इनकी हालत थी ऐसी, दर्द बहुत ज़्यादा था, जी ऐसे बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा, ऐसे ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा था मेरा, मैं बैठ। बैठता था तो यहाँ दबा करके। अभी तो आप गुड़गांव से, गुड़गांव से मैं बस से आता हूँ यहाँ पे, बस से आए हैं, फिर यहाँ भी बिहार से यही चल रहा है, गुड़गांव आया, बिहार से गुड़गांव बस आए, में आया था। यहाँ भी काफ़ी टाइम बैठे और अभी आपके सामने बैठे हैं। हालत एकदम नॉर्मल है। वैसे फ़र्क आपको कितने दिन में लग गया था? मेरे को तो 5 दिन के बाद फर्क मिला, बहुत ज़्यादा फर्क बहुत ज़्यादा। कैसे जी, मतलब? मतलब बहुत ज़्यादा, ऐसे कि जा सकूँ आ सकूँ कहीं भी, जब पैदल 3 किलोमीटर मेरा मार्केट है वहाँ जाता हूँ, फिर वहाँ से आता हूँ, फिर जाता हूँ सरे वो रे, मतलब खुला बिहार में तो ऐसे ही होता है, हाँ तो हाँ उधर घूमता हूँ सर। बस बस, अभी बंदा पूरी तरह से एकदम अपने आप को फिट महसूस कर रहा है। कैंसर का नाम सुनकर तो बंदा भयभीत हो जाता है कि अब उन्होंने तो सर तो 5 लाख रुपए बताया, तो मैं तो सोचते ही रह गया कि भैया 5 लाख रुपए पांच कहाँ लाख से। रुपए ट्रीटमेंट का किसने? पहले बोला एम्स वाले ने, अच्छा। पहले बोला कि 5 लाख रुपए जमा कराओ, अब 10 बंदे को बुला लो कि ब्लड चढ़ेगा तुम्हें, नहीं तो 5 दिन के अंदर में कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। मेरे अगल बगल वाले तो बोलते हैं कि नहीं बचने वाला है, नहीं बचने अब वाला। बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो गया इसको, कहाँ दिखाया। मैं किसी को नहीं बताया सर कि मैं कहाँ दिखा रहा हूँ। अच्छा, जी पता नहीं कहाँ दिखाया, या पूरा गांव में घूम रहे हैं, जी है ना? मेरे को पूरा डर ही निकल गया कोई बंदा आपको आपका जैसा मिला जी। तो आप उसको किस तरह से निकालोगे सर? मैं तो उसको बोलूँगा भाई शांति रह, कुछ नहीं है, सिर्फ डर है कि हाँ, एक भय मेरे। है। जी जिस समय आपको डॉक्टर ने कह दिया था कि 5 दिन बाद मर जाओगे, तो वो रात आपकी कैसे निकली होगी? मैं तो सर सोचता ही रह गया, उस दिन सोया ही नहीं, मेरे दिमाग में उसी दिन से बैठ गया जब तक पूरा शरीर मेरा खत्म होने लगा। जान को 5 लाख बता दिया, कहां से लाएंगे 5 लाख रुपए? मजदूरी करके कमा के खाने वाला, अपने परिवार का पेट भरने वाला शख्स कहां से 5 लाख ले आएगा? 10 बंदे कहां से ले आएगा? उस समय लगा कि ना तो 10 बंदे, ना ही 5 लाख, इससे उसके बाद तो मृत्यु है। मैं तो सोचा कि अब गया लेकिन आज जो इनका हाल है, इस समय जो इनका हाल है, वही बयां करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। आज ये शख्स ये नहीं बोल सकता है कि कैंसर से किसी की मौत होगी। अभी मेरे, मतलब आपके आप पास आने से पहले मेरी आंख से नहीं दिखाई देता था, ऐसे करके मैं दिखता था किसी ये बातें तो आपने बताई नहीं, सर, भूल गया था। भूल गए। चलो कोई बात, अब मतलब दूर के बंदे दिखाई नहीं दे रहा था मेरे को, हाँ, उसके बाद में कि मैं घर से नहीं निकलता कि कोई दिखाई नहीं दे, ठोक दे मेरे को। अब तो ऐसा हो गया कि मैं कहीं से भी देख लेता हूँ। अभी 20 दिन की बात सारी है, तो ऐसी इनको पूरा सिस्टम अभी सर एक 20 दिन तो दवाई भी नहीं खाया था,
अभी तो 15 दिन खाया हूँ, अभी तो 15 दिन की दवाई है और ये तो 5 दिन का इन्होंने फर्क बता दिया। आज आयुर्वेद में तो व्यापार बना रखा कई लोगों ने, ये तो गए आयुर्वेद में, ये तो बता रहे हैं कि आयुर्वेद में गए। मैं गया था आयुर्वेद, तो वहां भी तो 3 महीने ले लिया, इनको कहां कुछ हुआ? तो आप कैसे मानोगे कि आयुर्वेद में सब लोग सही कर रहे हैं? आप एलोपैथी को टारगेट क्यों कर रहे हो? आयुर्वेद में तो कई लोग बैठे हैं ऐसे, कैसे सच को पहचानेंगे? वहां जाओ और उसका सच्चाई पता चल जाएगी। और मैं नहीं कहता कि मैं सबको ठीक कर दूंगा, 20 डेज के अंदर अगर आपके पेशेंट को कुछ भी आराम नहीं मिलता है मैं नेक्स्ट नहीं बुलाऊंगा। और मैं नहीं कह रहा मैं ठीक कर दूंगा, आपको जो गाय का गोमूत्र के बारे में बताया था जी, सीधा क्या मैंने गोमूत्र दिया आपको? नहीं, सीधा आज गोमूत्र के नाम से भी व्यापार हो रहा है, पूरा माहौल बिगड़ा पड़ा है। सीधा गाय से बताया, देसी गाय से। अब मैं तो गाय नहीं बेचता ना, मैं गोमूत्र बेचता। यही है पूरा विज्ञान जो मेरे घर का बताया सबके सामने ओपन। मैं ये पूरा दिनचर्या लोगों को बता रहा हूं ताकि पेशेंट अपने घर में भी ठीक हो सकता है। राजीव दीक्षित का ही सपना था, ये नहीं था कि राजीव दीक्षित के नाम से संस्था खोल के लोग उसको लूटे। आप तो सही पूछो तो आप डॉक्टर ही हो, ये किसी का डर निकाल दे, एक भय निकाल दे, वो भी एक डॉक्टर है। वो डॉक्टर नहीं है जो किसी को डरा के लूटे। सर डरने से बहुत आदमी ऐसे मर जाता है। हाँ, डर के मर जाता है, डॉक्टर की मजबूरी है, उसको तो यही पता है। जो उसको पढ़ाया गया, जो उसको बताया गया वो वही कर रहा है। मेरे को जो पढ़ाया गया, मेरे को जो बताया गया वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है।